हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हो सकता हो इससे पहले भी आपने कहीं पर सुना भी हो। आज हम लोग बात करेंगे स्पेक्टर और मेल्टडाउन के बारे में। इस वीडियो की काफी डिमांड थी और आप लोग जानना भी चाहते थे कि ये स्पेक्टर और मेल्टडाउन है क्या। वेल, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बात करेंगे कि ये होता क्या है और फिर इसके फिक्सेस के बारे में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर इससे अफेक्टेड है कि नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेल, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेक्टर और मेल्टडाउन के बारे में। ये है क्या? जब पहली बार प्रोसेसर्स बने तो लोगों की डिमांड थी कि जब भी नया प्रोसेसर आए उसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो। तो जो कंपनीज थी वो अपने क्लॉक स्पीड बढ़ाती गई। क्लॉक स्पीड बेसिकली डिफाइन करती है जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उतना ज्यादा कैलकुलेशन हमारे सीपीयूज कर सकते हैं। तो जब बढ़ाती गई 4 GHz तक जब पहुंच गई, तब उसके बाद एक ये लिमिट आ गई कि इसके बाद अब प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं की जा सकती। फिर दोस्तों, नया एक कॉन्सेप्ट काम में लिया गया जिसे कहा गया स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन। ये एक स्टेप आपके ऑपरेशन से आगे चलता है। ये क्या है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं सुबह 8 बजे और ऑर्डर करते हैं एक कॉफी। अब आप डेली उस रेस्टोरेंट पर जाएंगे और एक ही ऑर्डर उसी टाइम पर ऑर्डर करेंगे, फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो वहां पर काउंटर पर जो वेटर होता है उसे पहले से ही पता होगा कि आप क्या ऑर्डर करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो पहले से ही आपके लिए कॉफी लिए वहां पर खड़ा होगा। इससे क्या होगा, इससे रेस्टोरेंट वालों का टाइम भी बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आप वो कॉफी ऑर्डर करने के बजाय एक दिन बर्गर ऑर्डर कर देते हो? तो सीधी सी बात है, वो जो कॉफी पहले से उसने बना कर रखी है वो वेस्ट हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से ही हमारा प्रोसेसर भी काम करता है, वो हमसे हमेशा एक स्टेप आगे चलता है। तो सीपीयू को फास्टर काम करने के लिए सीपीयू के अंदर होती है सीपीयू कैश। तो मेन मेमोरी पर काम करने के बजाय डेटा को उठाकर सीपीयू कैश में लाता है, वहां पर ऑपरेशन करता है। कभी कभी जब हम लोग स्टेप अपना चेंज कर देते हैं तो वो ऑपरेशन वहीं पर रखा रह जाता है। दोस्तों, यही एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसे काफी वेबसाइट और एप्लीकेशन हैक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को ही बोला जाता है स्पेक्टर और मेल्टडाउन। स्पेक्टर और मेल्टडाउन दोनों अलग अलग वल्नरेबिलिटीज हैं, लेकिन भले ही वो अलग तरीके से काम करते हो लेकिन जो इनका इफेक्ट है हमारे सिस्टम पर बिल्कुल सिमिलर पड़ता है। अब बात करते हैं कौन कौन से डिवाइसेस इनसे अफेक्टेड है। अब चाहे वो आपका AMD का सिस्टम हो या इंटेल का सिस्टम हो, मोबाइल हो, क्लाउड हो, कोई सभी डिवाइसेस हो, सारे के सारे डिवाइसेस दोस्तों इस वल्नरेबिलिटीज से अफेक्टेड हैं। अब बात करते हैं इसके फिक्स के बारे में, इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये एक हार्डवेयर फ्लॉ है, सॉफ्टवेयर नहीं, तो आप इसे अपडेट से फिक्स नहीं कर सकते। इसको फिक्स करने का केवल यही तरीका है कि नए तरीके से प्रोसेसर बनाए जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे प्रोसेसर चेंज कर देना चाहिए या मुझे कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास O2 Duo या उससे पुराना सिस्टम है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो बात अलग है, अब जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उनके सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। हालांकि इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, इससे प्रॉब्लम कुछ हद तक लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन बदले में दोस्तों यही होगा कि आपका परफॉर्मेंस है वो 10% तक स्लो हो जाएगा, जिससे कि आप स्लोअर सिस्टम पर नोटिस भी कर सकते हैं। 10% का परफॉर्मेंस लॉस काफी बुरा सौदा नहीं है। अगर आपसे कोई कहे इसके बदले में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल या पासवर्ड लीक हो जाए, तो मैं अपना 10% परफॉर्मेंस का बलिदान देने को तैयार हूँ। वेल, तो यही था दोस्तों स्पेक्टर और मेल्टडाउन के बारे में। आशा करता हूँ अब आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।